शिर्डीच्या साईबाबांची पूजा केल्यामुळेच महाराष्ट्रात दुष्काळ सदृश परिस्थिती आली आहे असा जावई शोध द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी लावला आहे. हरिद्वारमध्ये बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलंय. इतकंच नाही तर शनि शिंगणापूरमध्ये महिलांना चौथरावर प्रवेश देण्यासही त्यांनी विरोध केलाय. शनी हा पापग्रह आहे, त्याची पूजा केल्यामुळे महिलांवरील गुन्हे वाढतील असं ते म्हणाले. शंकराचार्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. साईं की पूजा अपूज्य है साईं, और साथ ही साथ जो पूज्य हमारे देवता हैं उनका अपमान भी किया जा रहा है. साईं की मूर्ति बड़ी बनाकर गणेश जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, हनुमान जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, तो पूज्यों का तिरस्कार कर रहे हैं. और ये महाराष्ट्र में ही ज़्यादा हो रहा है, शिरडी में महाराष्ट्र में ही है. सूखा पड़ने की वजह यही है कि साईं की पूजा और हमारे देवताओं का अपमान. महिलाओं ने जो शनि का भी दर्शन किया और बड़ी विजय मना रही हैं, डंका पीट रही हैं. शनि की दृष्टि अब महिलाओं में पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ेंगी. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.